Yeah. मैगी बन गई ये क्या बन गया इसका कब so, कब से रख रखी? कब से रख रख रखी रखी है है हे गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग तो अभी मैं हॉस्पिटल में दादाजी को लेने आए थे आज दादाजी का डिस्चार्ज है ना तो फिलहाल अभी खाना खा रहे हैं खाना लाए थे हम तो खाना खा के डिस्चार्ज करा के आज चलते हैं फाइनली घर दादाजी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुके हैं मस्त ऑपरेशन होने के बाद ना तो अब चलते हैं दादाजी को लेके मस्त सुबह सुबह आ गए थे हम मैं तो मूव भी नोया मस्त घर जाके नहाऊंगा घर जाके खाना खाऊंगा अभी दादाजी खा रहे हैं ना मस्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना सब सही चलो फाइनली और पापा जी पैकिंग कर रहे हैं ये सारा सामान हमको लेके जाने घर ये कंबल वम्बल ये बर्तन वर्तन सारे और चाय जी भी खाना खा रहे हैं तो वही पैकिंग हो चुकी है सारा सामान खाली कर दिया यहाँ से खाना भी खा लिया है ये देखो ये सारे कम्बल वम्बल तो चलते हैं चले दादाजी रेडी चलो मैं गाड़ी लेके आता हूं। तो दाजी को कार में बिठा दिया है तो फाइनली घर पे आ चुके हैं दादाजी को लेके और दादाजी यहाँ बैठे हैं अब घर में रेस्ट करेंगे तो फिलहाल मैं ब्रश करता हूं, नहाता हूं। और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे दिन के एक बज गए अभी तक कुछ भी नहीं खाया है मैंने मुंह भी धोया अभी तक तो मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूं। खाना भी ले लिया अब चलते हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी पीयूष और ओरियो बैठे हैं ये भी खा रहे हैं मैं भी खाता हूँ को नहीं बैठने दे रहे जिंदगी में कोई काम धंधा नहीं है कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी गैस आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊ मतलब पूरे छह दिन हो गए पीयूष ने यही डाल रखा है यही टी शर्ट है इसकी छह दिन से लोग भी कमेंट कर रहे थे पीयूष ने पाँच छह दिन से यही डाल रखा है तो गाय धूप जा चुके हैं तो देखो पियूस भी भाग गया यहाँ से तो मैं भी भागता हूँ यहाँ से तो गई आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे बन रही है मैगी और पूरी मैगी जल चुकी है प्यूस छोड़ के चला गया अपने गेमिंग रूम में और ये देखो भाई यहाँ पे पूरी मैगी जल चुकी है बदबू आ रही है इसमें से जली हुई की भाई तो पूरी चिपक गई चिपक गई है तो पूरी नीचे फिलहाल मैंने बंद तो कर दिया देखो मैं एकदम से देखा मैं यार बदबू किस चीज़ की आ रही है अब मिलेगा पियूस को सरप्राइज जली हुई मैगी का पियु को बताऊंगा मैगी रेडी हो गई है ऐसे बोलता हूँ पियूस को ये देखो ये पूरी लाल हो गई है नीचे चिपक गई है लाई लिटरली चिपक गई है

तू इस बर्तन को इसको इसको आप रखना तो पड़ेगा मैं भी मैंने पहले बता दिया गैस ये पहली बार नहीं है ने कुछ जलाया पीूष मतलब बहुत बार मैगी जला रखे पीूष ने वो तो मैं घर पे नहीं होता हूँ ना अरे ठीक है उसका क्या काम है का? जिसको साफ करने पड़ते हैं बर्तन उसको, उसको है ना पता हाँ, सही बात है नहीं, बिल्कुल जैसा था पहले वैसे रहे, नहीं हुआ तो मैगी बनाना तो रसोई में भी नहीं आने दूंगी हाँ, भी। हाँ, हाँ भी तो हाँ पियोगे अब ये धो ये रहा है ना इसके बदले सारे बर्तन मम्मी कह रही है सारे बर्तन धो दियो एक धो रहे तो सारे धो दियो ऊपर से मम्मी केयर कर रही है देख तेरी मम्मी कह रही ठंडे से मत धो मम्मी ने गीजे चलाया देख तो पीयूष को पनिशमेंट मिली है सारे बर्तन धोने की सच्ची बताई तुमने तो कितनी बार मैगी जलाई है आज तक कितनी बार मैगी जलाई है और ये हमेशा मैगी जलाता है बिकॉज वही बनाता है और कुछ बनाता ही नहीं है ना और मैं तो सब कुछ जलाता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बनाता हूँ मैंने एक बार चाय जलाई थी पानी भी जला दिया मैंने पानी सारा खत्म हो गया था गैस आप कमेंट कर दो आपने क्या क्या जलाया है तो पीयूष बर्तनों पे साबुन लगा लगा के वहाँ रखना देखो तो मैगी तो जला दी है अब हम जलाएंगे लकड़ियाँ हाथ सेकने के लिए ठंडी पड़ती यार मम्मी तकिया गर्म, गर्म कर रही है कपड़े भी ऊपर ही है मम्मी तकिया गर्म कर रही है देखो गई जब मजा आ रहा है आग में नहीं तो इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा बाहर गई सर्दियों में तो इसी चीज के मजे हैं। आग जलाओ और बैठ जाओ मस्त अपना मैगी खा ली हाँ मस्त और सी टेस्ट भर गया मेरे मिल गया गया मम्मी का फायदा हो गया मम्मी के सारे बर्तन धुल गए ऐसे उल्टे काम है सारे ये नहीं अच्छी तरह खड़े होके बना लूं खा लूं तो गाइस दिन बड़े हो चुके देखो साढ़े पाँच बज चुके शाम के और अभी तक देखो उजाला है नहीं तो यूजुअली अंधेरा होता है इस टाइम तक एक साइड हां लगा मेरे ऊपर ना आ जाए बताओ डांटोगे मेरे को करोगे कुछ नहीं 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 ज्यादा बोल रहे हो सीधा ठीक है मेरे को गाइस लड़ाई होगी लड़ाई होगी आराम से नहीं मार सकता तू क्या हुआ ओ भाई जला दी ये देखो पियूष ने क्या किया आग से खेल रहा था और पूरा यहाँ पे छेद कर दिया गैस पीयूष बच गया खतरनाक पिट्टा वो तो शूट नहीं हो पाया जैसे निकले तुमारे तुमारे जलाने का नहीं आया उधर हाँ आ गया आग तूने जलाई की तूने जलाई ये चार भाई तूने जलाई आग तू जलाने में गए आग से खेल रहा था आग से खेल रहा था तू निकल में तो मजा आता है अगर इसमें गिर जाए या फिर कुछ भी हो जाए ना इसमें से लकड़ियाँ भी गिर जाती हैं तो हाँ जब भी सेको तो ध्यान से सेको भाई अभी हमारा अभी हमारा चादर जल गया फिर उसे खेल रहा था वो उछल के सीधा चादर पे आया और वो जल गया पूरा कपड़े या फिर जैकेट वगैरह में भी जा सकता है जैकेट भी जल सकती है तो दूर रहना पड़ता है इससे अच्छा हुआ वो मेरी फेवरेट जैकेट में नहीं गया लो में आपके प्याज तो आज बनेगी प्याज की सब्जी गई सब एक चीज और जल रही है मम्मी आप प्याज काट रही है तो मेरी आंखें जल रही है आंखों से पानी आ रहा है यार तो गैश डिनर रेडी हो गया बाजा की रोटी बनाई आज तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में खाना लेके सिंपल खाना है गैस बचपन में मैं सोचता था जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, थे ना तो मैं सोचता था कि जब पैसे आएंगे ना मेरे पास तब तो रोज़ मस्त मस्त चीज़ें खाऊंगा बर्गर पिज्ज़ा पास्ता इस टाइप की चीज़ें और भी ज, मतलब जो हम देखते हैं ना इंटरनेट पे तो सोचता था कि रोज़ यही खाएंगे क्योंकि उस टाइम तो रेयरली मिलता था पैसे होते नहीं थे रेयरली चाउमिन रेयरली ये सब चीज़ें अब नॉर्मल खाना ही अच्छा लगता है घर का रोटी और नॉर्मल सब्जी तो हाँ एट द एंड सबको नॉर्मल चीज़ें घर वाली चीज़ें जो हेल्दी चीज़ें वही पसंद आती हैं और मैं जैसे बाहर जाता हूँ तो तब तो खाना ही पड़ता है बट आपने देखा होगा जब मैं घर में होता हूँ तो मैं घर का खाना ही खाता हूँ और बाहर भी ट्राई करता हूँ कि नॉर्मल खाने मिल जाए मतलब अब मन भर गया सब चीज़ों से सारी खाने की चीज़ों से इवन मेटर चीज़ों से जो नई नई चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की वो अलग बातें हैं जैसे नया नया कुछ खाना है जो हम नए नए आज तक कभी नहीं खाया वो वो ट्राई करेंगे और जो चीज़ें जो एक्सपीरियंस नहीं की वो ट्राई करने का मन करता है अदरवाइज़ जो एक्सपीरियंस कर लिया जहाँ पता है अनहेल्दी है वो खाने का मन नहीं करता हेल्दी चीज़ें खाने का मन करता है तो हाँ ये रियलिटी है ये मैं हूँ या फिर कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर कोई सेलिब्रिटी हो वो एट द एंड सब सब नॉर्मल खाना ही खाते हैं मैं सबसे मिला हूँ जिनसे मिला हूँ तो आप लोगों को लगता हो कि भाई ये क्या खाते होंगे यार ये ऐसे जाते होंगे नॉर्मल सब के सब नॉर्मल खाते हैं सब भगवान ने सबको सबको सेम पेट दिया है तो हाँ उसको सेम ही खाते हैं सब एट द एंड सब रोटी सब्जी ही खाते हैं दाल रोटी खानी होती है चाहे कितना पैसा कमा लो कुछ भी कर लो एट द एंड दाल रोटी ही खाते हैं सब तो भी क्या अपना दूध आ चुका है और ये दूध का कलर देखो इसमें हल्दी डाल रखी है तो अब से मैं हल्दी वाला दूध पीता हूँ इसको अभी पी लियो अब ठंडा बात करने थी ना तो फिलहाल मैं स्लो करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया वो ज्यादा था नहीं दिन तक तो मैं हॉस्पिटल में था उसके बाद फिर घर पर आया घर पर आके फिर ज़्यादा कुछ ब्लॉग बनाने जितना मैंने आपको दिखा दिया तो ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग